लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा बाइक रैली में शिरकत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी उत्साही राष्ट्रभक्तों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने का मतलब 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना, उन चेहरों की खुशहाली के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ करके पंच प्रण का संकल्प लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया था। और मुझे प्रसन्नता है 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। गत वर्ष भी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का कार्य हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के